अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड लवर बाय फरी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है बीफ स्टिक रोटी। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, इसको स्क्वायर शेप बोटी में काट लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें 8 से 10 अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूँगी, 4 अदर टमाटर गोल कटे हुए वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी, 3 से 4 टेबल स्पून सिरका, 3 से 4 टेबल स्पून चिली सॉस के इसमें शामिल कर दूंगी। इसी तरह 2 से 3 टेबल स्पून मैं सोया सॉस के इसके अंदर डाल दूंगी। ये बीफ स्टिक रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। पहले हम इसको चूल्हे पे गला लेंगे ताकि हमें स्टिक में लगाने में कोई मसला ना हो। इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ करें। इसके बाद सबसे एंड में मैं इसके अंदर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हस्बे जायका नमक शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके बिल्कुल लो मीडियम पे पकाऊंगी। ये मैंने बिल्कुल लो मीडियम पे इसको गला लिया है। तकरीबन 1 घंटे में ये बोटी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसको स्टिक पे लगा लूँगी इस तरह से। ये देखें, मसाला बोटी के अंदर अच्छे से जज्ब हो चुका है। अगर आप चाहें तो सादी स्टिक पे आप सिर्फ बोटियाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाल के भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बनाई है। सिर्फ बोटियों की स्टिक भी बनाई है और सिर्फ टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च की स्टिक भी बनाई है और दोनों को मिक्स करके भी मैंने स्टिक बना ली है। मैं अभी आपको शो करती हूँ, पहले ये स्टिक कंप्लीट हो जाए। इस तरह से इसके अंदर मैंने 6 से 7 अदद बोटियाँ स्टिक के अंदर मैंने लगा ली है। इस तरह से देखिए, ये सिर्फ बोटियों की स्टिक है। अब मैं एक और स्टिक लेके इन सारी सब्जियों को भी स्टिक में लगा लूँगी। इस तरह से मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर की स्टिक बना ली है और इनको कंबाइन करके भी आप बना सकते हैं।
अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर मैंने नमक और लेमन ऊपर से छिड़क दिया है ताकि इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद मैंने ये दो अंडे लिए हैं क्योंकि हमने इसको अंडे में कवर करके लगाना है। इसके अंदर हाफ टी स्पून लाल मिर्च काली मिर्च पाउडर और इसमें आपने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब वन बाय वन स्टिक लेते जाएंगे, इसमें कवर करके इसको फ्राई करते जाएंगे। इसको हमने फ्राई कर लेना है और पलट लेना है अच्छे से। ये देखें, ये मैंने फ्राई कर ली है। बहुत ही मज़े की बीफ स्टिक पोटी तैयार है। इसको मैंने अलग से भी फ्राई किया है और इसको इस तरह से आप साथ में लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर